क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इस टाइप के सवाल ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। राम एंड शाम स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। राम वॉक्स 6 किलोमीटर एंड शाम 8 किलोमीटर। देन राम टर्न्स राइट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर एंड शाम टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। फाइंड आउट हाउ फार आर बोथ ऑफ देम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पॉइंट। इसमें देखिए कि दो पर्सन है, राम और शाम, दोनों पर्सन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। चलिए हम शुरुआत सेंटर पॉइंट से ही हमेशा करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे। राम की हम डायरेक्शन ले लेंगे वेस्ट की, तो यानी कि इस सेंटर पॉइंट से राम वेस्ट की तरफ को मूव कर रहा है और राम मूव करेगा, राम डिस्टेंस कवर कर रहा है 6 किलोमीटर का, यानी कि राम सेंटर पॉइंट से वेस्ट की तरफ को मूव करेगा तो ये डिस्टेंस होगा 6 किलोमीटर का। और दूसरा जो शाम है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो शाम की डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट को, और शाम डिस्टेंस कवर कर रहा है 8 किलोमीटर का। इन दोनों पॉइंट पे पहुंचने के बाद राम टर्न्स राइट, यानी कि राम इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद राइट को टर्न किया। तो मैंने आपको बताया ही था कि राइट जो है नॉर्थ की तरफ हो जाएगा यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कवर कर रहा है राम इस पॉइंट पे जाने के बाद 8 किलोमीटर का। अगेन शाम जो है वो टर्न कर रहा है लेफ्ट साइड को, लेफ्ट यानी कि मैंने बताया था कि जो वेस्ट का अपोजिट आपका ईस्ट में अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन, तो यानी यहाँ अगर राम 8 किलोमीटर राइट को चला गया तो इस साइड को डायरेक्शन ये लेफ्ट की हो जाएगी और डिस्टेंस है 6 किलोमीटर का। हमसे ये पूछा गया है कि दोनों जिस पॉइंट पे अभी हैं वो आपके ओरिजिनल पॉइंट से कितना दूरी पे स्थित हैं। तो दिस इज द पॉइंट वेयर राम आर, वेयर राम इज, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर शाम इज। तो हमें ये बताना है कि ओरिजिनल पॉइंट से, ओरिजिनल पॉइंट यानी कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों की जो दूरी है कितनी दूरी पर दोनों स्थित है। तो ये अगेन हमने देखा कि ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यानी कि पाइथागोरस के द्वारा इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको आइए सॉल्व करते हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो अगेन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, हमें ए सी निकालना होगा। फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फॉर्मूला होगा ए बी यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी कि बी सी अंडर रूट। ए बी हमारे पास है 8 किलोमीटर यानी कि 8 स्क्वायर, और बी सी है 6 किलोमीटर यानी कि 6 स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी कि 100, और 100 का अंडर रूट होता है 10 किलोमीटर। जब हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे इसको भी, तो सेम सॉल्व करने के बाद यही इसका आंसर आएगा 10 किलोमीटर। तो दोनों जिस पॉइंट पे अभी हैं ओरिजिनल पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। आंसर इज 10 किलोमीटर।